पुराने कब्रिस्तान की कहानी। खबर कुछ यूं है कि कराची से 500 किलोमीटर के फासले पर तालुका हेडक्वार्टर ढरकी से 70 किलोमीटर दूर यूनियन काउंसिल बथुरा में 4 कब्रिस्तानों का पता चला है, जिनमें लगभग 200 औरतें दफन हैं। इन कब्रिस्तानों में आम लोग और बस्ती वाले दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो यहाँ किसी औरत को लाकर कत्ल करते हैं और फिर यहीं दफन कर देते हैं। इन कब्रिस्तानों की कई चार दीवारी नहीं है और इनमें हर तरफ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। आसपास के 8-10 गांव खाली हो चुके हैं, क्योंकि इन गांवों वालों का कहना है कि रात में इन्हें कत्ल होने वाली औरतों की रूहें नज़र आती हैं और उनके रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। 21वीं सदी में हमारे यहाँ की बेशुमार गरीब और पिछड़ी हुई औरतों को यह मुकद्दर है। उनके अंजाम पर उदास होते हुए मुझे भोपाल की रियासत याद आती है, जहाँ एक सदी से ज़्यादा सिर्फ औरतों ने हुकूमत की। प्रिंसेस आबिदा सुल्तान याद आती है, जिनकी खुद नविशत उनकी मौत से कुछ दिन पहले मेमोरीज ऑफ द रिबेल प्रिंसेस के नाम से आई है। भोपाल की बेगम आबिदा सुल्तान ने अगर एक बागी शहजादी की ज़िंदगी गुजारी तो उसके बारे में हैरानी नहीं होना चाहिए। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी उन्हें बचपन से ही पढ़ाई गई। लकड़ी का काम और जस्त के बर्तन बनाना सिखाया गया। वह कमाल की निशानेबाज और घुड़सवार थी। घुड़सवारी उन्होंने उस उम्र में सीखी जब उन्होंने चलना भी नहीं शुरू किया था। वह हॉकी और क्रिकेट खेलती, मौसीकी और शौकीन थी, हारमोनियम बजाती थी और हर एडवेंचर में आगे आगे रहती थी। कार चलाती तो उसकी रफ्तार के साथ बैठने वालों की चीखें निकाल जाती। महजपुरी में उनके मिजाज का हिस्सा थी। ऐसे में साबिक बेगम भोपाल सुल्तान जहां बेगम की निगरानी में कड़े पर्दे की पाबंदी करना उनके लिए एक सजा थी, 12 बरस की उम्र में जाकर वह वाली अहद नाजमद की गई, तो शाही जुलूस में वह इस हुलिये में शामिल थी कि उनका पूरा वजूद एक काले बुरके में लिपटा हुआ था और सियाह बुरके की टोपी पर ताज जगमगा रहा था। यह सब कुछ आबिदा सुल्तान के लिए अजीब से कम नहीं था। आखिरकार उन्होंने रस्सियाँ तुड़ाई, कमर के नीचे आने वाली बाल काट कर फेंके, पर्दा तक किया छोड़ा और भोपाल की सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाने लगी। एक मर्तबा घर से फरार हुई और भेष बदलकर हवाई जहाज उड़ाना सीखती रही। उधर भोपाल के नवाब उनकी तलाश में हिंदुस्तान भर की खाक छानते रहे। शादी हुई, एक बेटा पैदा हुआ। शहजादी की शादी को नाकाम होना था सो हो गई। प्रिंसेस आबिदा सुल्तान की खुद नश्वित हिंदुस्तानी अशराफिया की एक और ऐसी औरत की कहानी है जिसने बगावत के रास्ते पर कदम रखा और अपने बाद आने वालियों के लिए एक नई राहें खोली। यह खुद नविशित हमारे सामने भोपाल के महलात से मलिर के मलाफात और मुल्क चीन से अमेरिका तक ज़िंदगी गुजारने वाली एक ऐसी लड़की का किस्सा है जिसने उस अहद की लड़कियों की औरतों की आंखों में ख्वाबों के जाने कितने चिराग जलाए। लेकिन मुझे घोटकी के कब्रिस्तान में दफन हुए सारी औरतें याद आती हैं, जिनके लिए किसी आंख से आंसू नहीं गिरते और जिनकी कब्र पर कोई चिराग नहीं जलता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि ऐसी ढेर सारी मनोरंजक कहानी हम आप तक लाते रहें सबसे पहले।